अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोगों के पास समाधान कुछ अलग तरह के हैं। बहुत सारे लोग शक्तिमान तो बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो भी बुर्ज खलीफा की चढ़ाई कर डाले, लेकिन उससे पहले उनको सिगरेट के दो चार कश चाहिए होते हैं। बहुत सारे लोगों को रात में अमृत का प्याला चाहिए होता है। तो ये दोनों चीजें क्या साथ में चल सकती हैं? मतलब कोई सोचे कि मैं एक सिगरेट पी करके उसके बाद बुर्ज खलीफा की चढ़ाई कर लूं, तो क्या ये मुमकिन है? तो, ना ना, ये कतई मुमकिन नहीं है। देखो, योग का कस लगाओ, बैठो महात्मा जी, भस्त्रिका करो, भस्त्रिका कपाल बैठे बैठो महात्मा, भस्त्रिका करो। ये इनका हार्डवेयर तो हमने सूर्य नमस्कार दड़ बैठक लगा के ठीक किया, सॉफ्टवेयर प्राणायाम और ध्यान से ठीक होता है। भस्त्रिका करो जोर से, भस्त्रिका कपालभाति, और अनुलोम विलोम करो आप तो चंद्रमोहन जी। जिनका हार्डवेयर थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है उनका सॉफ्टवेयर और ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत रहती है। करो, ये हमारे हैं राम, हर्ष राम जी। अब राम ही राम है, हर्ष राम है, राम देव है, राम ही राम है, कुछ देव ही देव है। तो सुनो, तो देखो, आप लंबे श्वास लेते हैं, भस्त्रिका वेग पूर्वक करते हो, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। बीड़ी सिगरेट शराब पीने की इच्छा ही नहीं रहती। ये मैंने लाखों लोगों पर जो अनुभव किया वो बता रहा हूँ। यहाँ तक कि लोग सबसे कठिन होता है सुल्फा गांजा भांग धतूरा अफीम छोड़ना। लोगों का मैंने सुल्फा गांजा भांग धतूरा अफीम तक छोड़वाया है। लो, तो फिर जिनसे ना छूटे तो क्या करें, थोड़े दिन द्राक्षासव पी लें। ये द्राक्षासव बड़ा जोरदार है। और जिनका पेट साफ ना था वो बहाना बनाते हैं सुबह सुबह, यदि सुबह सुबह पेट साफ नहीं है तो ऑपरेशन नहीं बनता, तो गोधन अर्घ पी लें, नहीं तो अभयारिष्ट पी लें, बड़ा अच्छा रहता है। नींद नहीं आती, सारस्वतारिष्ट अश्वगंधारिष्ट पी लें। वैसे द्राक्षासव से नींद भी अच्छी आती है, पाचन भी अच्छा रहता है, और इसके अंदर नेचुरली 9 से नीचे नीचे अल्कोहल होता है। लेकिन ये है सच्चे अर्थों में जिसको आसव कहते हैं, कि आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है थोड़ा, और बिना पिए नींद नहीं आ रही है, तो यही पी लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो है कोई दारू का विकल्प है, अब जो जिसको समझ रहा हूँ समझ ले। लेकिन दारू से, वाइन से, बियर से और तमाम तरह की जो इधर उधर की उत्पना है खाली, इसके चार चार चम्मच पीने हैं, और उसके कारण से बहुत लोगों के हाथ कांपने लगते हैं, बहुत लोगों का दिमाग काम नहीं करता, उनमें एनर्जी ही नहीं रहती, तो वो भी द्राक्षासव उसका सॉल्यूशन है। ये एक बात मुझे बतानी थी, बता दी है, और इससे पेट भी अच्छा रहेगा, दिमाग भी अच्छा रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी, और ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर भी दूर हो जाएंगे, और इससे खून भी बढ़ता है। तो बीड़ी सिगरेट शराब अपने आप ही छूट जाते हैं जो योग के मार्ग पर चल पड़ते हैं। जिनको गुटखा खाने की आदत है वो शोधित हरड़े या पतंजलि पाचक आते हैं उनका सेवन कर लिया कर। जो कल एक बच्चा आया था, बोलो प्रोटीन पाउडर खा करके उसका तो लीवर किडनी बैठ गई थी। नेचुरल चीज़ें ले जिंदगी में। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, भाई नशा तो अनाज का ही घना है, वही झिल जाए वही बतेरा। तो अगला प्रश्न आप ले लो स्वामी जी। देखिए, आप तो जो है चक्करों में ना पड़े।